अब से आने वाले 12 से 13 दिनों के अंदर आप देखने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले। जी हाँ, 4 अगस्त को अब ग्रैंड फिनाले होगा, लेकिन वो होगा या नहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो चुकी है। खबर तो यही थी कि 4 अगस्त को ग्रैंड फिनाले दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जब शो ही बंद हो जाएगा तो ग्रैंड फिनाले किस बात का। यहाँ पर हुआ है कुछ बहुत ही बड़ा झोल। बिग बॉस के घर में ओटीटी के नाम पर फुल ऑन सब कुछ चल रहा है। इस बार अब्यूजिव हो रहे हैं लोग, थोड़े वायलेंट हो रहे हैं लोग, वल्गैरिटी भी लोग कह रहे हैं कि दिखाई जा रही है, और भी बहुत सारी चीजें। वेल, यही एक वजह है कि शिवसेना ने एतराज उठा दिया है अब बिग बॉस को दिखाए जाने से। जहां एक स्क्रिप्ट के तौर पर कुछ लोग एक्ट करते हैं, उसके ऊपर इतनी वल्गैरिटी होने के कारण एतराज उठाया जाता है, तो यहाँ तो बिग बॉस के घर में भी काफी कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। भाभी जी के कई कई एंगल की वीडियोज आ रही हैं, और अरमान जी के साथ उनकी अलग ही रोमांटिक स्टोरीज रात को चलती हैं अंधेरे में। लोगों के बीच काफी बातें ऐसी होती हैं कि वो म्यूट करनी पड़ जाती हैं बिग बॉस को। तो कुछ अब्यूजिव होते हैं, कुछ वॉलेंट होते हैं बिग बॉस के घर में लोग, जिस वजह से कोर्ट तक ये मामला पहुंचा जा चुका है। शिवसेना के लॉयर एक पहुंच चुके हैं बिग बॉस ओल्डी सीजन 3 को बैन करने के लिए। वेल, जब बचे ही 13 दिन है मुश्किल से, तो क्या अब शो बैन होगा? वेल, बैन होने की जब तक पूरी प्रक्रिया होगी तब तक ग्रैंड फिनाले आ जाएगा। लेकिन अगर शो बैन हो गया तो भाई बिग बॉस के और उनके फेक टीआरपी के या नंबर वन होने के क्लेम को धरा का धरा यहाँ शिवसेना जरूर कर देगा। ऐसे में अब ये शो बैन होता है या 4 अगस्त को ग्रैंड फिनाले लेकर आता है, ये देखना एक्साइटिंग होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।